किचन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज मु पिज्जा बनेबी जोटा मु बिना ओवन बिना ईस्ट आ बिना चीज रे बने के देखेबी। आरो टेस्ट पूरा चीज पिज्जा भलिया खाइला बेला आपण जान भी परिबे नि जेथरे चीज पड़ीनी। जदि मो रेसिपी गुड़ी को आपण मानको भल लागुची ताले मो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करंतु। मो चैनल को मध्य सब्सक्राइब करनियंतु एवं न्यू वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करनियंतु। तबे चालंतु देखि नबा आजिरो रेसिपी। तो पिज्जा बनेबा पे हमकु ए सब सामग्री रो आवश्यक। एठे मो गोटे कप मैदा नेछि, हाफ कप फ्रेश दही नेछि, 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस, वेजिटेबल्स भितरे कैप्सिकम को एमती स्लाइस करके नेछि, प्याज को मध्य सेमती स्लाइस करके नेछि, आउ टमाटो रो पानी वाला पार्ट को बाहर करके पल पार्ट को एमती काटि के नेछि, किछि पनीर पीस मोठी नेछि, पनीर एठी ऑप्शनल अछि, आउ फाइनली चॉप करके किछि रसुण नेछि, स्वाद अनुसार लूण, 1 टेबलस्पून बटर, चिल्ली फ्लेक्स, ऑरिगानो, हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/3 टीस्पून बेकिंग सोडा। फर्स्ट हमें पिज्जा बेस पे डो रेडी करबा। सेति पे मु रखितबा मैदा को गोटे मिक्सिंग बाउल रे दे दैछि। एबे सेतिरे स्वाद अनुसार लूण, बेकिंग पाउडर आ बेकिंग सोडा दे दैछि। मु एटी हाफ चम्मच भी चीनी ऐड करिछि जोटा के वीडियो शूट हे पारेनी। आकु एबे हमें भलरे मिक्स करि दबा। एबे एथिरे रखितबा दही को दे दबा। दही दे के मध्य आकु हमें भल से मिसै नबा। एबे आकु हमें नीड करिबा। मते दही दबा परे आउ पानी दबा को दरकार पड़िलानी। आपण को जदि पानी दरकार पड़ुछि पानी दे के मध्य चकड़ी परिबे। एमती गोटे स्मूथ डो रेडी कर देबे जेंते चपटाटा हमर पूरा सॉफ्ट होबो। हाथ रे लागुथिले बोली मु एठी 2-3 ड्रॉप तेल ऐड करके आकु आउ थरे नीड करि सारिछि। एबे आकु हमें कवर करके गोटे घंटा पर्यंत रेस्ट पे छाड़ी दबा। ता भितरे हमें पनीर को फ्राई करी नबा। सेति पई मु गोटे प्यान रे गोटे छोटो चम्मच रिफाइन तेल दे दैछि। तेल एठी गरम हे आसिला परे मु सेतिरे पनीर पीस गुड़ी को दे दैछि। एबे सेतिरे गोटे पिंच लंका गुंड, हळदी गुंड आ गोटे पिंच खंडे लूण देके आकु एमते हमें मिक्स करी नबा। एटा एटी फ्राई हे आसिलाने मु आकु गोटे प्लेट को बाहर करि नउची। व्हाइट सॉस बनेबा पई गोटे प्यान उपरे मु गोटे चम्मच बटर दे दउची। बटर एटी मेल्ट हे आसिलाने एबे एथिरे हमें गोटे चम्मच मैदा दे दबा। आउ आकु एमते फ्राई करिबा। मैदा रो बासना आसीबे पर्यंत हमें आकु फ्राई करिबा। तर हल्का कलर भी चेंज हे जइबो। एबे एटा हे गला। एबे एथिरे हमें अल्प अल्प एमते खीरो ऐड करके कंटीन्यूअसली आकु मिक्स करिबा। जदि ए टाइम रे आपनकर मैदा तळे लागि जाउची ताले आपन गैस रो फ्लेम को बंद करके एमते खीरो ऐड करके आकु मिक्स करंतु। व्हाइट सॉस एठी रेडी हे गला। आरो कंसिस्टेंसी एतिके ही रखिबे काहेकि ना एटा ठंडा हला परे आउ टिके ठीक हे जइबो। एबे हमें पिज्जा पई कढ़ाई को प्रीहीट करिबा। मु गोटे आलुमिनियम कढ़ाई उपरे एमती लूण को दे दउची। ए लूण मध्ये मु आगरु यूज करथिली। एमती चारि आडे ताको स्प्रेड करि दबा। ता उपरे एबे मु गोटे एमती स्टैंड को रखि दउची। आपण पाखे जदि स्टैंड नै आपण जे कोनोसे प्लेट भी रखि परिबे। आकु एबे हमें कवर करके 15 मिनट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे प्रीहीट पई छाडी दबा। जो व्हाइट सॉस बने के रखिथिले सेथिरे हमें स्वाद अनुसार लूण, 1/3 टीस्पून गोलमरीच गुंड आ जो चॉप करके रसुण रखिथिले सेथिरु आधा दे देकी ताकु एमते मिक्स करि दबा। व्हाइट सॉस एडी रेडी हे गला। एबे हमें पिज्जा सॉस बनेबा। सेति पई टोमेटो सॉस रे ओरिगानो चिल्ली फ्लेक्स को दे दबा। अल्प टिके लूण दे दबा गोटे पिंच मात्र। आउ अधर कटा रसुण को देकी ताकु एमते भलरे मिक्स करि दबा। पिज्जा सॉस पे हमर एठी रेडी हे जाईची। गोटे घंटा परे एठी हमर डो भी देखंतु केते फुली जाईची। एटा आहुरी सॉफ्ट हे जाईची। आकु एबे हमें आउ टिके नीड करि दबा। मुई एल्युमिनियम प्लेट रे ही पिज्जा बनेबी। आपण जेहेले मोटा स्टील रो प्लेट मध्य नै परिबे बट पतला प्लेट नेबेनी।
ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ର ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ତେଲ ଏମିତି ଭଲସେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେବା। ଏମିତି 2-3 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ରଖିଥିବା ଡୋକୁ ବେଲିବା। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ହାଲକା ମୋଟା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଟିକେ ବଡ଼ କରିନେଉଛି। ତା'ର ସାଇଡ଼୍ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହାଲକା ମୋଟା ରଖିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ପିଜ୍ଜା। ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିନେଉଛି। ଏଇଟା ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ପିଜ୍ଜା ଆମର ଫୁଲିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ପିଜ୍ଜା ସସ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଏମିତି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେମିତି ଆକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ପନିର ଏଠି ବିଲକୁଲ ଅପ୍ସନାଲ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଧିରେ ସୁଇଟ୍ କର୍ନ ମସରୁମ୍ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପନିରକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଚିଜ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅରିଗାନୋ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ଏମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଅରିଗାନୋ ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ମୁଁ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପିଜ୍ଜାକୁ ଆମେ ଏବେ ବେକ୍ କରିବା। ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା କଡ଼ାଇର ଲିଡ଼୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା, ଆଉ ପିଜ୍ଜା ପ୍ଲେଟ୍କୁ କେୟାରଫୁଲି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ୍ କରିବା। ତା'ର ଲିଡ଼୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟାର ଚକଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କଭର୍ କରିଦେଉଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଲିଡ଼୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା। ପିଜ୍ଜା ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି ବେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଏଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କମ୍ ଟାଇମ୍ ବା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜ୍ଜାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ଡାର୍କ କଲର୍ ଆସିଛି। ପିଜ୍ଜା ଆମର ଏଠି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ବେକ୍ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଚିଜ୍ ପକେଇନେ ବୋଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ପିଜ୍ଜାର ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।